Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut ke Lal Kurti ilake mein regional rapid transit system ke nirman ke chalte aaj subah barricading karne par vyapariyon ne virodh karte hue hangama kiya. व्यापारियों ने आरोप लगाया कि अभी तक सभी दुकानदारों को मिलने वाले चेक नहीं दिए गए हैं. 7-8 लोगों के चेक मिलना अभी बाकी हैं. इसके अलावा अपना सामान उठाने के लिए उन्होंने 8-10 दिन का समय भी मांगा था, जो नहीं दिया गया. आज सुबह RRTS स्टाफ ने वहां बैरिकेड लगा दिए थे. कुछ लोगों ने इन्हें हटाने की भी कोशिश की. देखिए फर्स्ट बाइट कैमरे की नज़र से वहाँ के हालात. मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई है. ईमानदारी का काम करो, बेईमानी मत करो अपनी तनख्वाह के लिए. बच्चे पाल रहे हो बस, और बच्चों पड़ेगी कीड़े पड़ेंगे. सत्यपाल भाटिया. क्या हुआ आज जो आपकी दुकानों को इकट्ठा किया जा रहा है? ये रैपिड रेड में गया हुआ इलाका है और इसका कंट्रोल बोर्ड की जगह है जो कंट्रोल बोर्ड ने रैपिड को दी है और इसके आवाज़ में हमें 8x8 के छोटे से खोखे बना के दिए गए हैं. इसको हटने के लिए कहा गया लेकिन रैपिड रेल वालों के अपने काम अभी तक पूरे नहीं हुए. उन्होंने जो हमारे सब व्यापारियों को चेक देने थे वो अभी तक उन्होंने नहीं दिए 36,000 के. उसमें 5 या 6 व्यापारी 7 व्यापारी हमारे बाकी हैं. हमारी सिर्फ इनसे ये मांग थी कि हमारे बाकी आदमियों के चेक दे दिए जाएँ ताकि उसके बाद उचित समय में हम इस जगह को खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे. लेकिन इन्होंने वो उचित समय ना दे के एकदम फोर्स के साथ हमारे से ये जो लेटर है इन्होंने 26 तारीख दी थी और हमने उसका जवाब दिया था. इसमें भी लिखा था कि हम आपकी सहमत हैं लेकिन हमें समय सीमा और दी जानी चाहिए. जो इन्होंने आज बिना किसी वार्निंग के बिना किसी चेतावनी के ये तोड़फोड़ चालू करने की कोशिश की है. कितनी दुकानों को चेक मिल चुके हैं और कितने को नहीं मिला अभी तक? लगभग 54 को चेक मिले हैं. 7 के चेक अब भी बाकी हैं. टोटल कितने दुकानें अभी तक? 60 दुकानें हैं इसमें. गड्ढा मार्केट की 50 और 10 दुकानें बाहर की हैं, समझे जी. और उनको हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि उन आदमियों के चेक दे दिए जाएँ और उसके बाद उचित समय 10 दिन का हमें दिया जाए. हम इस सब अपने स्ट्रक्चर को सब बता देंगे. इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है. ना हम इससे असहमत हैं, हम सहमत हैं कि हम खाली करेंगे. इस खबर में फिलहाल इतना ही. आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी. नमस्कार.